Happy Dussehra to everyone. And what an act! What an act! एक बार जोर से clapping करो. मजा आया तुम सब लोगों को देख करके? Was it good? Palak ma'am and Komal ma'am, Komal Sethi ma'am. It was wonderful, wonderful. It was a treat to my eyes. Bahut maza aaya dekh karke. Bahut kam time mein you have prepared this, but it was wonderful. And Meenakshi ma'am, you too. The poem was very, very good. Thought was very good. And the speech was excellent. I have heard for the very first time this thing. We always used to say this thing ki Ravan aisa tha, Ravan aisa tha, usne ye kar diya, wo kar diya. But Ravan actually, he was one of the most intelligent persons. Agar aap logon ne speech dhyan se suni hogi, to usme ye bhi bataya gaya tha ki charon vedon ka gyata tha. He was one of the most intelligent person in the world. But speech mein ek cheez unhone boli thi ki ek nirnay uska galat ho gaya tha. So your decisions should also always should be very very precise. जब भी आप लोगों ने अपनी जिंदगी की कोई decision लेना है ना, तो वो decision ऐसा हो कि आपको लगे कि अब मैं जो कर रहा हूँ, जो कर रही हूँ, that is appropriate. इस condition में यही जो है वो मेरा decision जो है वो best होगा. और decision हमेशा सोच समझ कर लेना चाहिए. At present, आप लोगों का decision क्या है? Who can tell me this thing? While you are studying, while you are coming to school, while you are learning, what is your decision? Your best decision is to study hard. If you will study hard, then definitely one day you will take best of the best decisions in your life. आज का रावण वो नहीं है जो सीता मैया के टाइम पे था. जो सीता मैया के टाइम पे जो रावण था ना, उसका फिर भी दिमाग काम करता था. एक डिसीजन जरूर उसने गलत लिया, बट वो भी अगर आपने स्पीच सुना हो तो उसमें ये बोला था उन्होंने, बिकॉज वो भगवान के हाथों से अपनी मृत्यु चाहता था, इसलिए उसने सीता जी का हरण किया. बट इन टूडेज वर्ल्ड द रावणास वी हैव, दे आर नॉट दैट मच इंटेलिजेंट. एंड वॉट एवर दे आर डूइंग, वो सब कुछ जानबूझ के करे. तो आज भी हमें अपने अंदर ही उस राम जी को जगाने की जरूरत है. एज यू ऑल नो दैट कि ये बार बार हर ग्रंथ में, हर वेद में ये लिखा होता है कि हर किसी के अंदर ही भगवान है. आपको भगवान कहीं खोजने की जरूरत नहीं है. सो वंस अगेन हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. पब्लिक स्कूल की तरफ तो आज दुशहरा मनाया गया. सो दुशहरे दी लख लख मुबारक. सो आओ देखते हैं आज का खास ये दुशहरे का प्रोग्राम.
वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल. और सबसे पहले सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल मेन ब्रांच की तरफ से सब लोगों को दशहरे की बहुत 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 शुभकामनाएं. एज यू कैन सी दैट वी हैव मेड वन एफिजी ओवर देयर ऑफ भगवान राम जी. और वैसे तो ये कहते हैं कि जो रावण जी थे वो बहुत ही विद्वान थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे और चारों वेदा के जो है वो ज्ञाता थे. यस, उस युग का रावण जो है वो वाकई में ही बहुत समझदार और इंटेलिजेंट था. बट एक गलत डिसीजन ने जो है वो सब कुछ, उसका जो सारा जीवन जो है वो व्यर्थ कर दिया. सो उस समय का रावण अपनी मरते समय अपनी गलती को मान गया. भगवान राम जी से उसने जो है वो क्षमा भी मांगी. लेकिन जैसे कि हम सबको पता है, सभी विद्वान लोग भी ये कहते हैं कि आपके अंदर ही भगवान बसता है. बट मेरा ये मानना है कि सिर्फ भगवान ही नहीं, शैतान भी हमारे अंदर ही बसता है. इट इज़ अप टू अस दैट विच पोर्शन शुड कम आउटसाइड. ये हम लोगों पर ही डिपेंड करता है कि हम कौन से भगवान को या शैतान को अपने अंदर से बाहर निकालते. दैट मीन्स दीज आर द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव थॉट्स. एज यू कैन सी दैट हेयर इन द स्कूल प्रेमिसेस वी हैव दिस एफिजी ऑफ भगवान राम. एज भगवान राम इज मूविंग तीर जो है वो चला रहे, दैट इज ऑफ एजुकेशन. और एजुकेशन के साथ जो आजकल के युग में रावण के 10 सर हैं उनको जो है वो किल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं. सबसे बड़ा तो इलिटरेसी. यस, अनपढ़ता को ख़त्म करना एजुकेशन का सबसे पहला मोटिव है. उसके अलावा यू कैन सी दैट देर इज़ पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज, इनडिसिप्लिन, जेंडर इनक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, क्राइम, पॉवर्टी एंड बैड हैबिट्स. आज के समय में यही 10 सिर हैं रावण के जी, जिनको हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है. वो समय चला गया जब क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये 10 सर जो है वो रावण के होते थे. आज के समय में यही सर हैं 10 रावण के, जिनको हमें मारना बहुत बहुत ज़रूरी है. एंड फॉर दैट एजुकेशन इज़ द ओनली वेपन विच कैन किल ऑल दीज 10 बैड हैबिट्स. सो मैनेजमेंट की तरफ से, सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल की मैनेजमेंट, स्टाफ, स्टूडेंट्स, सबकी तरफ से आप लोगों को एक बार फिर से दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं. और आप सभी अपने अपने जीवन में से जिनके पास भी जैसी भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो जो भी रावना उनकी ज़िंदगी में है, उनको ख़त्म करें. और दिवाली की भी आपको आने वाले पे समय में बहुत बहुत शुभकामनाएं. धन्यवाद. सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल की तरफ तो अज दुशहरे का प्रोग्राम ऑर्गनाइज किया गया. और बच्चों को शिक्षा देते हुए टीचर ने कहा कि तुम अपने मन में जो नैगेटिविटी है उन्होंने ख़त्म करो, क्योंकि एक रावण बहुत समझदार और पढ़िया लिखा राजा सी. एक गलती दे नाल उन्होंने अज तक यह गलती भुगतनी पैंती है. इसलिए कहते हैं जीवन के कोई भी डिसीजन लेना हो सोच समझ के लवो. सो बने रहो सेंट सोल्जर टाइम्स. मैं कोमल, कैमरामैन विनोद.